हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं टिकट बॉक्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे एडिफायर के हीकेट GT4 गेमिंग ईयरबड्स। एडिफायर का सब ब्रांड है हीकेट, जो कि भाई गेमिंग हेडफोन, ईयरफोन और ईयरबड्स बनाती है। आज हमारे पास हीकेट GT4 गेमिंग ईयरबड्स। इसके अंदर सिर्फ आपको 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल रही है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको लेटेस्ट पिक्सार्ट 190X गेमिंग चिप मिल रही है, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और इसके अंदर आपको H+ साउंड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। जब आप इसके ऊपर गेमिंग करोगे तो भाई किसी भी किस्म की मूवमेंट को आप मिस नहीं करोगे, सारी चीजें आपको क्लियर सुनाई देने वाली है। प्राइस है इसकी 7,500 रुपए। अगर आप इसको मंगवाते हो तो तकरीबन आपको 7,500 रुपए मिलेंगे, अगर भाई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है तो सारी चीजों को चेक करेंगे, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, कॉलिंग फीचर, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। ये सब देखने के बाद आप जज कर सकते हैं क्या ये ईयरबड्स आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स आप देख सकते हैं भाई, ब्लैक कलर के अंदर आपको बॉक्स मिलेगा। एडिफायर की चमकती हुई ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स के ऊपर ईयरबड्स की पिक बनाई गई है, नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है GT4 ट्रू वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स। साइड में आपको दिखा दूं, गेम पैड बनाया गया, मैट फॉर गेमिंग इसके ऊपर लिखा गया है। साइड में हीकेट की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.2 के साथ आते हैं, RGB लाइट्स के अंदर आप लोगों को मिल रही है, टच कंट्रोल, और इस साइड पे भी आपको हीकेट लिखा हुआ मिल जाता है। 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी इसके अंदर मिल रही है, IP55 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रेटिंग मिल रही है, और भाई गेम मोड इसके अंदर आपको मिलेगा। बॉक्स ओपन करोगे तो भाई कुछ इस तरह से रखे हुए आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे, 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर ट्विस्ट मिल जाती है, टाइप सी वाली केबल मिलेगी और केबल की क्वालिटी भाई अच्छी मिल रही है इसके अंदर आपको। कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा, एक यूजर गाइड मिल जाएगी आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर आप ये देखें आपको मैट फिनिश वाला मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सी थ्रू पैनल मिल जाएगा। ऊपर ही आपको हीकेट की ब्रांडिंग मिल जाती है, GT इसके ऊपर लिखा गया है, और डिजाइन वगैरह आप ये देख सकते हैं काफी खूबसूरत करके बनाए गए। सामने आपको LED लाइट्स मिल जाती है, जो कि भाई ईगल आई शेप के अंदर आपको लाइट दी गई है, जो कि भाई अलग अलग कलर्स के अंदर आपको जलती हुई नजर आएंगी। बैक साइड पे कुछ डिटेल लिखी हुई है चार्जिंग के बारे में, तो वो आप ये देख लेना। बैक साइड पे ही आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है टाइप सी वाली। बिल्ड क्वालिटी भाई ठीक ठाक है, प्लास्टिक मटेरियल वगैरह इसके अंदर जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। केस ओपन करके मैं आपको दिखा दूं, ईयरबड्स रखे हुए मिल जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ मिल जाएगा, और भाई इसकी लिड की थिकनेस देखो यार, काफी ज्यादा पतली करके बनाई गई है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है भाई, ये आप ये देख सकते हैं। बाकी इसके लॉक जो है वो आपको काफी ज्यादा पावरफुल मिल रहे हैं, और भाई हिंज की क्वालिटी भी ठीक ठाक आप लोगों को मिल रही है। मैग्नेट्स को भी चेक कर लेते हैं, ये आप ये देख सकते हैं भाई ये गिरेंगे नहीं। दोस्तों ईयरबड्स का मैं आपको डिजाइन दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं ये इसका टच एरिया है, यहीं पर ही आपको हीकेट का लोगो मिल जाता है, और इसी के अंदर आपको LED लाइट्स मिल जाती है जो कि ब्लू और व्हाइट कलर के अंदर ऑन होती है। स्टेम का साइज काफी ज्यादा छोटा बनाया गया, नीचे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, सिंगल माइक्रोफोन इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। अंदर ही आपको चार्जिंग पिन मिलेंगी, अंदर ही आपको लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ मिलेगा, अंदर वाली साइड से ग्लोसी में और बाहर वाली साइड से ये आपको मैट फिनिश के अंदर मिल रहा है। और साइज इसका बहुत ही ज्यादा छोटा साइज है, वेट भी यार इस ईयरबड्स का बहुत ही ज्यादा कम है। कान में मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूं, आप ये देख सकते हैं कानों में इस तरह से लग जाएंगे, अच्छे से लग गए, लेकिन भाई फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं अंदर से ये ग्लोसी है, मैं आप लोगों को शेक करके दिखाता हूं। तो भाई ये देखें हल्का सा ये लूज हुआ है, मैंने कहा था कि अंदर से ग्लोसी है, कान में थोड़ा सा, भाई रनिंग करते वक्त जिम में आप लोगों का अगर ये यूज करते हो तो एहतियात करना पड़ेगी, बाकी गेमिंग वगैरह में नॉर्मल यूज अगर म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो कोई मसला नहीं आएगा। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयरट्यूब्स मिलती है प्रॉपर लगा के अपने कान के साइज के हिसाब से और भी इसकी फिटिंग को अच्छा बना सकते हो। इस ईयरबड्स के टच कंट्रोल्स में आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं म्यूजिक प्ले इस वक्त और लाइट का कलर व्हाइट है, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान लगाना है। किसी भी ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप करोगे म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, राइट वाले से होल्ड करके रखोगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ आप चले जाओगे, लेफ्ट वाले से होल्ड करके रखोगे वापस प्रीवियस सॉन्ग की तरफ आप आ जाओगे, लेफ्ट वाले के ऊपर 3 टाइम टैप करोगे तो आप वॉइस असिस्टेंट को ऑन कर सकते हो, कॉल आती है, डबल टैप के ऊपर आप कॉल को रिसीव करोगे, डबल टैप के ऊपर ही कॉल को एंड करोगे, और 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे कॉल को रिजेक्ट कर सकोगे। राइट वाले के ऊपर आप 3 टाइम टैप करोगे तो आप गेम मोड में एंटर कर जाओगे, और यहां पर आप ये देख सकते हैं लाइट का कलर ब्लू हो चुका है, और इसके अंदर आपको अगर लाइट नहीं चाहिए, गेमिंग करते वक्त आपको लाइट नहीं चाहिए या म्यूजिक सुनते वक्त भी आपको लाइट नहीं चाहिए, इसके अंदर लाइट को ऑफ करना है, तो आप राइट वाले के ऊपर 4 टाइम टैप करोगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएंगी, फिर ये ब्लिंक नहीं करेंगी, ये आप ये देख सकते हो।
गेमिंग खेलते वक्त या म्यूजिक सुनते वक्त आपको लाइट चाहिए या नहीं चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 times क्लिप करोगे तो आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। भाई म्यूजिक सुन रहा था यार, गेमिंग ईयरबड्स हैं, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताता रहा हूं, जितने भी गेमिंग ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग की है ना भाई, हेवी पंची बेस आप लोगों को नहीं मिलेगी। बेस है इसके अंदर लेकिन आपको बहुत ज्यादा बूमी हेवी पंची बेस नहीं मिल रही है। बाकी भाई लाउडनेस के अंदर ठीक ठाक है, क्लियर है, क्लियर बैकग्राउंड में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है सारे साउंड आपको क्लियर क्लियर सुनाई देते हैं। मेल वोकल फीमेल वोकल वो भी आपको क्लियर सुनाई देते हैं। बस इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेवी पंची बेस नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। जितने भी गेमिंग ईयरबड्स है ना मैंने अनबॉक्स किए हैं भाई, हेवी पंची बेस नहीं मिली है। यार जहां तक मैंने अंदाजा लगाया ना, गेमिंग करते वक्त बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, फायर की आवाज होती है, हर एक चीज की आवाज, एयरक्राफ्ट की आवाज होती है, तो भाई उसकी वजह से यार कानों में डैमेज ना हो, शायद ये वजह हो सकती है कि भाई आपको बहुत ज्यादा हेवी पंची बेस गेमिंग ईयरबड्स के अंदर नहीं दी जा रही है। बाकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, मुझे पसंद आई है। हर एक किस्म के म्यूजिक सुने में इसके ऊपर मैंने इंजॉय किया है, हर एक किस्म के म्यूजिक को अच्छे से इंजॉय किया है। बाकी यार बेस के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बाकी सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिल रही है। ऑडियो सेपरेशन वो भी ठीक ठाक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे गेमिंग के वक्त। बाकी साउंड क्वालिटी मुझे इसके अंदर अच्छी लगी है। दोस्तों इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो ही के GT4 की माइक की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और इंडोर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। इस ईयरबड्स के जरिए इंडोर किसी को कॉल करेंगे तो दोस्तों आप जज कर सकते हो आपकी जो वॉइस है वो सामने वाले बंदे को इस तरह की जाने वाली है। अब दोस्तों जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो ही के GT4 की माइक की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और आउटडोर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। इस ईयरबड्स के जरिए आउटडोर किसी को कॉल करेंगे, आपके एक भी बहुत ज्यादा शोर है, ट्रैफिक की आवाज है, नॉइज है, क्राउड में बैठे हैं, तो दोस्तों फिर आप जज कर सकते हैं आपकी जो वॉइस है वो सामने वाले बंदे को आउटडोर में इस तरह की जाने वाली है। बैटरी टाइमिंग का भी मैं आप लोगों को बता चलूं, केस के अंदर आपको 400 एमएच की बैटरी और ईयरबड्स के अंदर आपको 40 एमएच की बैटरी दी गई है। 40 एमएच की बैटरी भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, 2 times मैंने इसको चेक किया है, 6 to 7 hours की बैटरी टाइमिंग आराम से ये दे रहा था। डिपेंड करता है आप कितनी वॉल्यूम के ऊपर म्यूजिक सुनते हो। केस के अंदर रख के 3 times और एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो तकरीबन बैटरी टाइमिंग इसकी केस के साथ आप लोगों को मिलेगी 25 to 28 hours की। टाइप सी वाली पोर्ट इसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है और भाई फास्ट चार्जिंग इसके अंदर नहीं मिलती है। केस को चार्ज होने में 2 to 2.5 hours लग जाते हैं और ईयरबड्स को 0 से फुल चार्ज करोगे तो तकरीबन आपको 1 to 1.5 hours लगेगा। गेम मोड दोस्तों हम आ गए अपने फाइनल डिसीजन की तरफ। भाई कॉलनेस आप लोगों ने देख लिया, इस ईयरबड्स के अंदर आपको सिंगल माइक मिल रहे हैं लेकिन यार कॉल क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इंडोर किसी से बात करते हो ना आपकी वॉइस क्लियर और क्रिस्प भी जा रही है, भाई लगता नहीं है कि आप ईयरबड्स के थ्रू किसी से इंडोर में बात कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रही है। आउटडोर की बात करें यार बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाली जगह पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, बहुत ज्यादा जैसे अगर आप फैक्ट्री वगैरह में हो तो आपको थोड़ा बहुत मसला आएगा, लेकिन अगर आप शॉपिंग मॉल में हो, पार्क में हो, कहीं ऐसी जगह पर इतना ज्यादा नॉइज नहीं है, शोर नहीं है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आउटडोर में भी आपको कॉल में कोई मसला आने वाला है। बाकी भाई गेमिंग की बात करें, भाई गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इसके अंदर आपको 45 milliseconds की लो लेटेंसी मिल रही है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, वायरलेस ईयरबड्स के अंदर आपको लैग मिलेगा ही मिलेगा, किसी के अंदर आपको कम मिलेगा, किसी के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा और किसी के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा।
हीकेट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एग्रीफायर बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि अच्छे गेमिंग ईयरबड हेडफोन बनाता है। इसके अंदर काफी कम लो लेटेंसी आप लोगों को मिल रही है, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। एक्स प्लस साउंड इफेक्ट इसके अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। इसके ऊपर मैंने गेमिंग की है कानों में लगा के, भाई वाकई कोई भी मूवमेंट आप इसके मिस नहीं करोगे। फुट स्टेप, व्हील की आवाज, ह्यूमन की आवाज, बंदा कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा, एयरक्राफ्ट की आवाज, ब्लास्ट की आवाज, सारी चीजें आपको क्लियर सुनाई देती है। ऑडियो सेपरेशन काफी ज्यादा अच्छे से की गई है, कहां से कोई चीज आ रही है वहीं से पता चलता है, मिक्स नहीं होती आवाज। बाकी भाई साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं, बहुत ज्यादा हेवी पंची बेस नहीं मिलेगी, बाकी सब चीजें इसके अंदर आपको ठीक ठाक मिल रही है। बेस क्यों नहीं मिल रही है वो वजह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बैटरी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, 6 से 7 घंटे आप लोगों को सिंगल चार्ज के ऊपर मिलेंगे। और भाई बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह भी आपको इसके अंदर ठीक ठाक मिल रहा है, फुल गेमिंग वाली लुक इसके अंदर मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक मटेरियल वगैरह काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है, जबरदस्त ईयरबड्स हैं। बाकी यार प्राइस की बात कर लेते हैं, 7,500 रुपए तकरीबन आप लोगों को ये मिलेगा अगर आप इसको मंगवाते हो तो। बाकी यार देखो यार प्राइसेस है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हर एक चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 6-7 हजार वाले ईयरबड जो है वो 7-8 हजार, तकरीबन 2-2 हजार रुपए हर एक ईयरबड्स के ऊपर, 2,000 रुपए 1,500 रुपए ये बढ़ चुके हैं। बाकी मैंने आपको हर एक चीज क्लियर बता दी, क्या चीज इसके अंदर मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी, प्राइस भी बता दी। नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।